हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेसिका रजौरिया। और आज हम यूपी वर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 कबले वाला, जो आर.एन. टैगोर द्वारा लिखा गया है, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 25 वर्ड ईच। क्वेश्चन वन है, व्हाट वाज द ग्रेव प्रॉब्लम ऑफ मिनीज मदर रिगार्डिंग हर डॉटर। मिनी की माँ की अपनी बेटी के लिए गंभीर समस्या क्या थी? तो इसका आंसर है, द ट्रबल सम इश्यू ऑफ मिनीज मदर वाज डैट शी, यानी कि मिनी वाज चैटी गर्ल एंड नेवर कीप साइलेंस फॉर अ मिनट। मिनी की माँ के लिए कष्टदायक विषय यह था कि मिनी बहुत बातूनी लड़की थी, वह एक पल भी शांत यानी कि चुप नहीं रहती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई मिनी क्विकली रश टू विंडो एंड टू वार्म शी वॉज कॉलिंग। मिनी सहसा खिड़की की ओर क्यों भागी और वो किसको पुकार रही थी? आंसर है इसका, मिनी शाह आ ट्रेडर फ्रॉम कबुल ऑन आ रोड साइड थ्रू द विंडो एंड रश टूवर्ड्स द विंडो शाउटिंग कबली वाला ओ कबली वाला। मिनी ने सड़क से गुजरते हुए एक काबुल के व्यापारी को देखा और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले ओ काबुली वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वाई मिनी गॉट फ्राइटेंड टू शी कबली वाला वेयर शी फेल्ट हरसेल्फ सेफ। मिनी काबुली वाले को देखकर क्यों भयभीत हो गई, उसने कहा अपने आप को सुरक्षित समझा। आंसर, मिनी वॉज अंडर द ब्रीफ द मैन सो कॉल्ड कबली वाला वॉज कैरिंग अ बैग हैड टू और थ्री चिल्ड्रन इन इट लाइक हर सेल्फ। दिस ब्लिंड बिलीफ मेड हर फ्राइटेंड, शी फ्लैड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन एंड फेल्ट हर सेल्फ सेफ। मिनी को संशय था कि उस व्यक्ति के पास जो झोला है उसमें उसी की तरह के 2-3 बच्चे हैं, वह यही बात सोचकर भयभीत हो गई, इसलिए वह अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपनी माँ के पास दौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ मिनी मैट कबली वाला वेरी फर्स्ट टाइम। मिनी पहली बार कबली वाले से कब और कैसे मिली? आंसर इसका, व्हेन अ वेंडर कबली वाला ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स बट शी वुड नॉट बी टेम्प्ट एंड क्लंग क्लोजर टू मी एंड दिस वॉज द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन मिनी एंड काबुली वाला। जब काबुली वाले अपने झोले से बादाम और किशमिश देने लगा, वह किसी तरह भी लेने को तैयार नहीं हुई और भयभीत होकर मेरे से लिपट गई। इस प्रकार दोनों का प्रथम परिचय हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट सरप्राइज मिनी फादर वाइल लिविंग द हाउस एंड वॉट सम ऑफ मनी ही हैज गिवन टू द मैन। मिनी के पिता घर से निकलते समय किस बात से आश्चर्यचकित हुए और कितनी मुद्रा उन्होंने उस आदमी यानी कि काबुली वाले को दी? आंसर, मिनीज फादर शाह हिज टीनी डॉटर सिटिंग ऑन द बेंच नेक्स्ट टू द डोर एंड स्पीकिंग नॉन स्टॉप विद द काबुली वाला एंड लिसनिंग calmly to him this surprise her father he has given it unasked to the man for nuts and raisins। एक दिन किसी काम से बाहर जाते वक्त मिनी के पिता ने देखा कि उनकी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठकर अनगर्ल बातें कर रही है और धैर्य के साथ उसकी बातों को सुन रही है। मिनी के पिता ने बादाम और किशमिश केले काबुली वाले को एक ठन्नी दी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मिनी गॉट फैसिनेटेड विद काबुली वाला। मिनी काबुली वाले से कैसे सम्मोहित हुई? रहमत दी काबुली वाला हैड बीन कमिंग ऑलमोस्ट एवरी डे एंड द टू ऑफ देम बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स नाउ। दे शेयर मैनी जॉक्स विच प्रोवाइड देम मच अम्यूजमेंट एंड दे बोथ बिकेम वेरी फ्रेंडली एंड ऑल हिज फैसिनेटेड मिनी। रहमत काबुली वाला अब रोज मिनी के घर आने लगा था। वह दोनों अब बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। वह दोनों बहुत हास्य व्यंग्य बांटते थे, जिससे दोनों को बहुत मज़ा आने लगा और दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई
और इन्हीं सबसे मिनी सम्मोहित हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ आर टर्म फादर इन लॉज हाउस, फादर इन लॉ का घर ससुराल का अर्थ समझाइए। हेयर डिफाइंस फादर इन लॉ हाउस हैव डबल मीनिंग। बंगाली गर्ल्स वर कॉमनली फेमिलियर विद द टर्म इन लॉज हाउस प्रैक्टिकली सिंस बाय बर्थ, बट बीइंग मोर मॉडर्न दे चूज नॉट टू लोड देयर डॉटर्स माइंड विद प्रिकॉशियस थॉट एट सच अ टेंडर एज। दिस इज वाई मिनी लिटिल गर्ल कुड नेवर फुली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, टर्निंग द फ्रेज इन टू अ क्वेश्चन। वैन कॉमन पीपल यूज दिस टर्म एज काबलीवाला यूज द टर्म फॉर जेल, थिंक ऑफ द प्लाइट ऑफ द अननोन क्रिएचर कॉल्ड फादर इन लॉ। यहाँ पर ससुराल शब्द को द्विअर्थीय रूप से व्याख्या की है। बंगाली परिवार की लड़की जन्म से ही ससुराल सबसे परिचित होती है, किंतु हमारे कुछ आधुनिक ढंग होने के कारण बालिका को ससुराल के संबंध में परिचित नहीं कराया गया है, इसलिए रहमत के अनुरोध को ठीक से नहीं समझ पाती थी। जैसा कि काबुली वाले के शब्दों में ससुराल का जेल खाना से है, मिनी ससुर नामक अपरिचित जीव की दुरावस्था की कल्पना कर खूब हंसती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई मिनी मदर वॉज सो शाई एंड नर्वस पर्टिकुलरली अबाउट हर डॉटर। मिनी की माँ अपनी बेटी के लिए परेशान एवं हैरान क्यों रहती थी? द आंसर इज मिनीज मदर वॉज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी। शी वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन डैट दोज पीपल हु आर रशिंग टूवर्ड्स हर हाउस आर रॉन्ग डॉर्स, एग्जाम्पल थीव्स, ड्रंकर्स, स्नेक्स, टाइगर्स एट इंग्लिश सेलर्स। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस शी कुड नॉट गेट रिड ऑफ हर प्रॉब्लम और टेरर, सो शी वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट द कबलीवाला टू। मिनी की माँ दुर्भाग्य से बड़े शंकालु स्वभाव की महिला थी। उनके मन मस्तिष्क में विचार आता था, जो लोग उनके घर की ओर चले आ रहे हैं वे सभी दुष्ट एवं कपटी व्यक्ति हैं, जैसे चोर, शराबी, सांप, बाघ और सोरे नाविक हैं। इतने सारे अनुभव किए होते हुए उसे अपने परेशानियों से छुटकारा नहीं मिला, यहाँ तक कि उसे काबुली वाले पर भी संशय था। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच मंथ ऑफ द ईयर रहमत द काबुली वाला यूज टू गो हिज होम एंड इन व्हाट ही गेट हिमसेल्फ बिजी। किस माह में प्रतिवर्ष रहमत काबुली वाला अपने देश जाया करता था और वह किस कार्य में व्यस्त रहता था? वंस इन अ ईयर इन द मिडिल ऑफ जनवरी रहमत द काबुली वाला वॉज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री। ही वुड बी बिजी गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस कलेक्टिंग हिज स्टैम्प्स। प्रतिवर्ष जनवरी के मध्य में रहमत काबुली वाले अपने देश चला जाता था। उस समय वह अपना सारा उधार रुपया घर घर वसूल करने में व्यस्त रहता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉट शॉर्ट ऑफ नॉइज ही हर्ड ऑन द स्ट्रीट ऑन वन चिली मॉर्निंग हु हैड क्रैल्ड विद वॉर्म। किस कप कपाती सुबह में सड़क पर जोर का हल्ला शोर सुनाई पड़ा, कौन झगड़ रहा था और किससे? इट वॉज चिली मॉर्निंग ही हर्ड एंड अप्रोर ऑन द स्ट्रीट ही वॉज डैट रहमत बींग लैंड अवे इन हैंडकफ बाय टू पुलिसमैन आफ्टर इंक्वायरी डैट आई गैदर्ड रहमत स्टैब्ड द मैन विद अ नाइफ। रहमत हैड क्वारल्ड विद वन ऑफ अवर नेबर ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर्ड असॉल्ट। एक कप कपाती सुबह मुझे सड़क पर बड़े जोर का हल्ला शोर सुनाई पड़ा। मैंने देखा कि दो सिपाही रहमत को हथकड़ियों में बांध कर लिए जा रहे थे। पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि रहमत ने चाकू से हमला कर एक पड़ोसी को घायल कर दिया है, उस पर हत्या के प्रयास का आरोप है। तो गाइज, आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे और प्लीज़ ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।